सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो पर। फोटो एडिटिंग तो सब लोग करना चाहते हैं लेकिन फोटो एडिटिंग कर नहीं पाते। लेकिन इस वीडियो को देख के आप लोग को गारंटी से बता सकता हूँ आप लोग आज फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं, क्योंकि मैं हूँ ना आप लोग को सिखाने के लिए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संतु और आप देख रहे हो टेक्स विद द किंग। आज की इस वीडियो में इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। इस टाइप के फोटो एडिटिंग करने के लिए आप लोग को दो एप्लीकेशन लगेगा, एक है पिक्सार्ट और एक है स्केच बुक। सो हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, मजे में हो। तो ज़्यादा देरी ना करके चलो फोटो एडिटिंग सीखते हैं। तो फोटो एडिटिंग के लिए सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे पिक्सार्ट, जो आप लोग को प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर लेना। चलो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं पिक्सार्ट एप्लीकेशन। फिर ओपन करने के बाद एडिट फोटो पर क्लिक करेंगे। जिस फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो उस फोटो को पहले ले लेना आप। तो मैं इस फोटो को एडिट करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ, तो ले लिया। एंड नीचे बहुत टूल है, एंड साइड में हटाने के बाद यहाँ पे ऐड फोटो है, ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक बैकग्राउंड लेंगे, जो बैकग्राउंड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। जो बैकग्राउंड हमने लिए है उसको हम लोग फोटो के हिसाब से बड़ा करेंगे, बड़ा छोटा करेंगे, तो अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे। आप लोग कर लेना, जो टेक से ऊपर एलन उसको हम लोग ऊपर के साइड में रखेंगे, जो फोटो देखने में अच्छा रहेगा। तो होने के बाद ऊपर के साइड आप देख सकते हो एक रॉबर्ट वाला ऑप्शन है, वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, तो इन ग्रेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो लास्ट में है। उसके बाद रूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे हम फोटो पे ड्रॉ करेंगे। जो बैकग्राउंड था मैंने उसको जो बैकग्राउंड पीछे कर दिया, तो इसलिए ड्रॉ हो रहा है पीछे। तो अच्छी तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे फोटो को, तो मैं जल्दी फटाफट कर लेता हूँ। अभी देख सकते हो किस तरीके से बैकग्राउंड को हम लोग चेंज कर दिया है। तो अब राइट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे जो हाथ जो है मेरा, जहाँ पे खड़ा हूँ वहाँ पे कुछ देने वाला हूँ, तो इसलिए हमें एक और एक पेंजी ऐड करेंगे, जो इसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। तो इसको अच्छी तरीके से हम एडजस्ट करेंगे। तो गाइस फोटो तो हमारा कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन और कुछ करना है, जो यहाँ पे टूल पे क्लिक करके स्ट्रेच पे क्लिक करना। एंड क्लिक करने के बाद जो हमारा हेयर है, हेयर जो है उसको हम लोग थोड़ा बड़ा करेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ देख सकते हो, ऊपर के साइड में बड़ा करेंगे। सो हे गाइस, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो गाइस, तो जो हम कर रहे हैं तो फोटो एडिटिंग तो हो चुका है, तो खाली अब ये फोटो को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड कैसे करना है वो भी बता देते हैं। तो जो राइट करते ऊपर के साइड में एक ऑप्शन होगा डाउनलोड का, जो डाउनलोड पर क्लिक करना। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड आपका फोटो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई आप लोग को। अभी के लिए बाय, तो अगले वीडियो में मिलूँगा।